हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। हम आज अपने गांव शेरपुर कला, जो कि यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, के दक्षिणी छोर पे हैं। और यहां से देखने पर जहां तक आपकी नजर जाएगी, चारों तरफ पानी दिखाई देगा। आपकी नजर यहां से जहां तक भी जाएगी, चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ पानी है। ये रास्ता जिस पे हम अभी जा रहे हैं, कुछ देर में ये भी पानी की चपेट में आने वाला है। इस रास्ते को भी पानी क्रॉस कर रहा है। वीडियो में बने रहिए, आगे हम अपडेट देंगे कि पानी कहाँ पे कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है और कहाँ पे पानी में बढ़ाव में कमी है, तो इसकी अपडेट हम देंगे। अभी ये देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी चारों तरफ पानी दिखाई देगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ पानी दिखाई देगा। ये खेत है जो कि यहाँ पे पशुओं के लिए चारा उगाया गया था, उसको भी चपेट में ले लिया है पानी ने। चारों तरफ पानी है। बात करें तो जल स्तर फिलहाल अभी गाजीपुर में पिछले 7 घंटे में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है, और इलाहाबाद में प्रति घंटा 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। फिलहाल इलाहाबाद के आगे, राहत की बात यह है कि फिलहाल इलाहाबाद के आगे गंगा में घटाव हो रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि शाम तक या फिर कल सुबह तक इलाहाबाद में गंगा में घटाव हो। अगर आज शाम को घटाव होगा इलाहाबाद में गंगा में, तो फिर कल शाम तक यहाँ भी घटाव होने लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल वृद्धि हो रही है 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इलाहाबाद में। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कोटा डैम से पानी भी छोड़ा गया है, जो कि कुछ देर बाद जाके यमुना में मिलेगा। देख सकते हैं ये दृश्य। फिलहाल अभी यही अपडेट है, क्योंकि अभी पानी में बढ़ाव जारी है। देख सकते हैं चारों तरफ पानी है। नाव के सहारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। शेरपुर के दक्षिणी छोर का ये दृश्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।